लगन कुछ ऐसी हो जैसी एकलव्य की थी। गुरु की प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया और उसमें अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया। लगन शबरी की थी जिसको अपने प्रभु के आने की उम्मीद थी और वह हर दिन अपने प्रभु के आने की उम्मीद में फल फूल एकत्र करती थी और स्वयं भगवान को झूठे बेर खाने के लिए मजबूर कर दिया। सोचो उस सबरी की लगन कैसी होगी जिसने अपने झूठे बेर प्रभु के सामने रखे और प्रभु ने वो खाए, क्योंकि प्रभु को पता था कि वो झूठे बेर क्यों खिलाए जा रहे हैं। सबरी की लगन तो देखो कि हर दिन वो बेर एकत्रित करती थी और ये तय करती थी, ये सुनिश्चित करती थी कि जो खट्टे बेर होते हैं वो उन तक ना जाएं, इसलिए चखके सिर्फ और सिर्फ मीठे बेर उस टोकरी में रखती थी। लगन, प्यार, तपस्या कुछ ऐसी होनी चाहिए। और उसके आगे, उनकी लगन के आगे स्वयं प्रभु राम भी मजबूर हो गए। लगन तो ऐसी होती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ भक्ति होती है और भगवान होता है, और किसी भी तरह की शंका की कोई ना तो जगह होती है ना ही कोई उम्मीद होती है। ऐसी कुछ लगन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी लगन तुम्हें विशेष बनाती है। एक बात का याद रखना, तुम जो स्वयं इतनी भक्ति के साथ अपने काम में लगे रहते हो, यही तो खास है, यही तो अनोखा है। मुझे तुम्हारी लगन पर कोई शक नहीं है, कोई शंका हो ही नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। और ये क्या, आज तुम इतने बेचैन क्यों हो, क्यों इतने अंदर से परेशान हो? तुम्हारी परेशानी मैं देख भी पा रहा हूँ, मैं महसूस भी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा हर काम भी मैं देख रहा हूँ, फिर तुम इतने बेचैन क्यों हो जाते हो? तुम्हारे काम में कहीं कोई कमी नहीं है, तुम्हारा दृढ़ निश्चय गलत नहीं है। तुम जितने दृढ़ निश्चयी हो ना, मुझे अच्छा लगता है, तुम जिद्दी हो, लेकिन तुम्हारी जिद सिर्फ तुम्हारे काम को लेकर है। तुम जितने अपने हो अपने घर वालों के लिए, वो बहुत खास है। हमेशा ऐसे ही रहना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपने घर वालों के बारे में पहले सोचते हैं, अपने बारे में बाद में। हमेशा ऐसे रहना। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।